खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 20वीं बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैनिक स्तर पर सलाह मशविरा जारी रखने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि देश में न मंडियां बंद होंगी और न ही एमएसपी की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएट परेड सीजीपी 2020 कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय बंगाल दौरे पर, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और रोड शो के अलावे रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आगामी दो वर्षों में देश को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा, इससे राहगीरों को बार बार टोल प्लाजा पर नहीं रुकना होगा। नई कृषि नीति के फायदों के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील मोदी आज सीतामढ़ी जिले में किसान चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बेगूसराय जिला प्रशासन ने शहरी इलाकों में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस अभियान से लोगों को सड़क जाम से मुक्ति मिलेगी। कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में लगी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की स्थिति नाजुक। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला 90 रनों का लक्ष्य।